सीन का इम्पैक्ट कमाल है। अब वो जो बिल्डअप करते हुए आ रहे हैं इस कैरेक्टर का और यहाँ लाकर, तो वो एक हम सबको एज अ व्यूअर, मैं खुद एज अ व्यूअर बात कर रहा हूँ, मैं एज अ परफॉर्मर बात नहीं कर रहा हूँ, कि हम सब की यही वो थी कि ओ अब कुछ हो ना जाए, ये बंदा कुछ भी कर सकता है। तो इसको बिलीवेबल बनाने के लिए जाहिर है जो बातें हुई होंगी उसमें 100% जो क्रेडिट है वो दानिश नवाज का, और बहुत कमाल उसने सारा माहौल और जितनी भी वो वॉक शूट करता था, थ्रू शीशा शूट करता था या सोचता था, बहुत से सीन्स को वो कहता था, जैसे फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल में जब ज़ारा के कैरेक्टर को लेके जाया गया है, मैं वहीं था, तो वो पहले एक तरीके से हो रहा था, वो सेटिस्फाइड नहीं था, फिर दानिश ने कहा कि नहीं मैं इसको थोड़ा सा और चलता हुआ इमरजेंसी टाइप करना चाहता हूँ, तो आप लोग हमारे साथ हैं कर लेंगे, या आप दोबारा से अगर मैं करना चाहूँ तो, हमने कहा बिल्कुल करेंगे यार, जो आप बेहतर समझ रहे हो करेंगे। तो पहली बात तो ये कि इस चीज़ को डिबेट को शुरू करने के लिए उसकी एग्जीक्यूशन बहुत इम्पॉर्टेंट थी, नंबर वन। दूसरी चीज़ ये कि इस तरह का टॉपिक और इन कॉन्ट्रास्ट जो दूसरा कपल साथ चल रहा है, तो वो एहसास आपको सबकॉन्शियस माइंड में दिलाता जा रहा है नुमैर का कि ये एक बंदा है और एक ये बंदा है। सही बात है, विच इज़ अमेजिंग कि हम पहली दफ़ा इस तरह का भी देख रहे हैं। और बे इंतहा ज़रूरी बात, हमने शायद पहले कई एंगल से देखी भी है, सुनी भी है, अब इस जुर्म की या इस ज़्यादती की कैटेगरी क्या है, या कि इसकी इंटेंसिटी क्या है, या इसकी सज़ा क्या है, कानूनी तौर पे वो एक अलग बात है, और मकफ़ात अमल के तौर पे ये एक अलग बात है। सबसे ज़्यादा जफा की खूबसूरत बात यह है कि हमने थ्रू आउट इस एहसास को फील किया, हमने इस ये चीज़ फील की कि बचपन से कुछ ट्रिगर हो रहा है। मैंने कभी, हो सकता है मिस हो गया, मुझसे तो हो गया, लेकिन एज एन एक्टर या एज अ व्यूअर मैंने नहीं पाकिस्तानी ड्रामे में देखा कि हम किसी की बुराई को बचपन से होने वाले ट्रामा से इतना सफाई के साथ कनेक्ट करते हुए लेकर आ रहा हूँ। तो हैट्स ऑफ अगेन कि बहुत आराम से ये ग्लोरीफाई हो सकता था, टॉक्सिक या जहरीला या ट्रॉमाटाइज्ड शख्स जो औरत के ऊपर जुल्म करके हीरोइक भी हो सकता है, और उसके ऊपर स्लो मोशन लग के, खूबसूरत म्यूज़िक लग के उसकी एंट्रियां भी बन सकती हैं। तो अगेन मोमना, आपने जो हमारा डिस्कशन सबका रहा उसमें भी ये बात पहले से डिसाइडेड थी कि ग्लोरीफाई नहीं करना है, इस टॉपिक को हमें उठाना है, यही मकसद है। अभी ड्रामे में आगे क्या है हसन के एंगल पे, और मैं तो आई एम इवन मोर एक्साइटेड जो नुमैर के एंगल पे अब कहानी खुलने वाली है। मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन प्रोजेक्ट है, आई एम रियली हैप्पी कि मैं इसका हिस्सा हूँ, और आई एम रियली हैप्पी जो मुझे फीडबैक मिल रही है वो कमाल है। लोगों के मिक्स्ड रिएक्शंस जो हैं वो मुझे मुस्कुराने पर मजबूर कर रहे हैं। कुछ लोग वाकई चलते फिरते जो मुझे मिल रहे हैं वो बेचारे नफरत का इजहार भी कर रहे हैं, फिर मुझसे माफ़ी भी मांग रहे हैं कि नहीं नहीं हमें पता है कि वो आपने कैरेक्टर है सिर्फ, तो लेकिन वो अपनी कथारसिस जो वो फील कर रहे हैं वो किससे कहेंगे, जरा मैं मिलूंगा तो उससे कह देंगे, तो वो सही है। तो ये पहली बार हुआ, आई एम रियली ग्लैड कि ये हाईलाइट हुआ। आई थिंक आप बहुत हम्बल हो रहे हैं, डेफिनेटली दानिश नवाज को क्रेडिट जाता है फॉर शूटिंग इट इन सच अ ग्रेट वे, और ये हमने अपने रिव्यू में भी बात बोली कि बहुत दफ़ा सीन दिखाते हैं जहाँ औरत को बहुत मारें, यू नो बेड पे फेंक रहे हैं और थप, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वो सीन ऐसे ऐसे ख़त्म भी हो गया यू नो, लेकिन वो इतना इम्पैक्टफुल था। बट आपकी परफॉर्मेंस, द वे यू हैव मैनेज्ड हसन सो फार, जो मैं आपको बीच में भी मैसेजेस करके भी बता रही थी, प्लेड अ ह्यूज रोल, जो हमारे इमोशंस को ऊपर नीचे के नहीं हसन की तरफ भी है, नहीं हसन को चांस मिले, और अभी तक जब तक हसन ने उसको थप्पड़ नहीं मारा था ना, लिटरली मैं इस होप पे थी कि हसन बच जाएगा, कि मुझे था कि और आगे जाके मुझे नहीं पता ड्रामा क्या दिखाएगा, लेकिन जब उसे थप्पड़ मारा ना तो आई वाज लाइक अब बहुत मुश्किल है, और शायद मेरी नजर में शायद नामुमकिन है। ठीक है, तो यू प्लेड इट वेरी वेल, सो आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू क्रेडिट फॉर दैट। और अगेन जो चीज है वो आप सबकी टीम एफर्ट है बिल्कुल, बट आपने कहीं ना उसको ओवरडू नहीं किया, वेरी सटल यू प्लेड, लाइक आपके इमोशंस जो एक्सप्रेशंस भी होते थे वो बड़े सटल होते, कहीं रोने वाले भी जो हैं वो एक कंट्रोल्ड एक उसमें खेल रहे थे आप लिमिट में, तो मुझे वो चीज मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी थी। एंड दैट सॉफ्ट एंगल ऑफ हसन, आई थिंक दैट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल,
जो कॉन्ट्रास्ट नजर जब भी आया कॉन्ट्रास्ट, और जो आप बात कहते हैं ना वो इतनी ही सही बात है. मुझे लगा कि हसन और जारा की चीज को देखते देखते हम सब अपना रेडी थे कि कहीं कहीं कुछ हो ना जाए, कि अब जब स्ट्राइक होगी तो वो हम सबको तकलीफ होगी. Exactly. तो वो आप लोगों ने बिल्ट अप किया था. बिल्कुल, बिल्कुल. So, I just wanted to appreciate that. स्क्रिप्ट आया कैसे आपके पास? स्क्रिप्ट को खोला पढ़ा तो क्या रिएक्शन था आपका पहला? So, जफा काफी अरसे से डिस्कस हो रहा था. और पहले जब इनिशियली आया है तो जो फोन आया आई थिंक ये मेरे पास आने के 2 साल बाद बना. ओके. आप हाँ कह चुके थे तब. मैंने पहले जो कैरेक्टर है वो नुमैर का पढ़ा था. ओके. और आई वाज जस्ट लाइक हाँ ठीक है चलें देख लेते. मतलब मैंने आउटराइट ना नहीं किया था. लेकिन फिर वो आई डोंट नो उसको कोई और डायरेक्ट कर रहा था. फिर किसी और के पास गया, फिर किसी और के पास गया, फिर काफ़ी दिन तक कोई फ़ोन नहीं आया मेरा. ठीक है. और फिर अचानक फ़ोन आया कि ऑफिस आ जाए. तो मैंने कहा आया तो मेरे दानिश से मुलाकात हुई. उसने कहा ये है ये करना है. मैंने कहा करेंगे. तो जब पढ़ा उसको मैंने दोबारा से जो चेंजेस मोमना ने फैसल मंजूर को मैं क्रेडिट ज़रूर देना चाहूँगा और समीरा से जो भी इनके डिस्कशंस के बाद जो दोबारा इसको उन्होंने चीज़ों को देखा उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग लगा. मैंने कहा ओके यस करेंगे. तो हमेशा मैं ये बात कहता हूँ दानिश से मुझसे कहा डायरेक्ट मैं करूँगा. मैंने कहा यार आप ही करें. मैंने तो उनको इतना वो था कि आप बीच में जाते नहीं. मैं एक फिल्म डायरेक्ट की थी वो भी कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से की थी. मैं सारी जिंदगी डायरेक्शन लेता ही आया हूँ. तो मैं मुझे हिदायतकारी लेना आती है. लेकिन बेइंतहा मजा आया, बहुत मजा आया. आई एम रियली ग्लैड कि मैंने प्रोजेक्ट किया. बहुत जरूरी तरीन, जिस तरह मैं कहता हूँ रजिया एक जरूरी कहानी थी, जफा तो बहुत ही जरूरी कहानी. लेकिन आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लोग इतना इन्वेस्टेड हो जाएंगे हसन और जारा की कहानी में? आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा कोई रिएक्शन आएगा, बट इस हद तक? और आप क्या था कि जब ये वाला सीन आएगा फिर तो एक हंगामा मचेगा? टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जितनी पूरी सीक्वेंस है ये सारी रमजान में शूट हुई है. और अगर डे लाइट है तो उसका मतलब हम रोजे में. उनको देख रहा होता था कि भाई इनका ख्याल रखें क्योंकि वो हम में से कोई भी रोजा नहीं छोड़ रहा था. वो एक शी इज अ ग्रेट वुमन माशाल्लाह. क्या बात है. मतलब देखें एक अदाकार तो कुछ नहीं है जब तक सामने से रिएक्शंस ना आ रहे हो. तो अगर वो दादी के फेस के सामने से हाथ गया है मेरा जो उसके मुंह पे सपोजिटली लगा है तो वो जो रिएक्शन उन्होंने दिया वही सब कुछ है. तो अमेजिंग वो टाइमिंग रही. तो लेकिन हम में से कोई ये नहीं सोच रहा था कि क्या होना है. हमारे ये थी कि आज हमें ये सही लगना चाहिए. ठीक है. आज अगर हम सबको आप सब अलग अलग जगह से हैं और अलग अलग एक जगह इकट्ठे हुए हैं और आप अदाकार भी हैं और आपने चीज़ें देखी भी हैं, लाइफ एक्सपीरियंसेस भी हैं, अगर लॉजिकली ये सब कुछ ठीक लगेगा तो हो सकता है ये कनेक्ट हो जाए. अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि ये लोगों से कनेक्ट होगा कि नहीं. बहुत बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कहानियां होती हैं, बहुत बड़े बड़े इश्यूज होते हैं जो अनफॉर्चुनेटली नहीं कनेक्ट हो पाते. बट दिस टाइम राउंड ये कनेक्ट हो गया. आई एम रियली रियली हैप्पी कि हमने कुछ ऐसा सोचा नहीं था या ऐसा डिस्कशन. देखिए ऐसा करेंगे तो तोप चल जाएगी, ऐसा नहीं होता. हमें सही लगना चाहिए आज के. हाँ बिलीवेबल लग रहा है, ओवर तो नहीं हो रहा है. एट टाइम्स ऐसा नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट कि कभी मैंने लाउड भी हुआ होगा. फिर मैं दानिश को देखा और मैंने कहा यार ये ज्यादा है ये इसमें तो हम सारे ट्रायल एंड एरर को ही होता है. सो वो फिर उसमें से राइट टेक्स का चूज होना और उसका एडिट होना वो सारा प्रोसेस ही है. तो जब आप लोग ये सीन करने वाले थे इससे पहले क्या कॉन्वर्सेशन हुई, क्या कंसर्न्स थे आप लोग, 2-3 चीजें जो आप लोग चाहते थे कि यार ये हम वी वॉन्ट टू मेक श्योर कि ये मैसेज या ये इस तरीके से नहीं हो एंड वी वॉन्ट टू मेक श्योर कि ये इस तरीके से, कुछ भी कॉन्वर्सेशन, क्या थॉट प्रोसेस थी जो चली और कौन कौन इस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा था, आप मावरा और दानिश या और कोई भी? जा रहे हम तीनों ही थे. और अच्छी बात, इंटरेस्टिंग बात यही है जफा में ज़्यादातर सीन्स की ये बात अच्छी है कि वो पार्ट्स में तो अभी हसन आया है तो ये मेरे लिए उस सीन का एक पार्ट वन हो गया. सो मुझे सोचने में एज अ परफॉर्मर मुझे ये पता है कि अब मैं इसको सीढ़ी के बाद कहाँ लेके जाऊंगा. ठीक है. अब जब आप रिहर्स करेंगे सामने से मावरा किस तरह एक्ट करेंगे. मुझे बहुत मजा आया मावरा का भी, सारा क्रेडिट मावरा को भी जाता है. बहुत मेहनती हैं, बहुत नोट्स के साथ चलती हैं, सारी डिटेलिंग के साथ चलती हैं. और इस बार जो असल टेक्निकल बात है मावरा की
वो ये बात है कि मेरी उनके मुकाबले में वोकल टोन हैवी है, दूसरा मैं दिखने में भी शायद फ्रेम में उन पे हावी ही आता हूँ, तो सब कौन